माता भीमा काली के सभागार में सर्व देवता सेवा समिति जिला मंडी की बैठक जिला अध्यक्ष शिवपाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में समस्त कारदारों ने भाग लिया और विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सर्व देवता सेवा समिति ने मुख्यमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि उत्सव के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति प्रदान करने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया। आज हमारी चार धनसागर की बैठक हुई। इस बैठक में समस्त कारदारों ने भाग लिया। हमारी जो आने वाली शिवरात्रि है उसके बारे में भी चर्चा की गई कि देवी देवताओं के साथ कैसे बैठने की सुविधा की जाएंगी। पर्यटन में पर्यटन के बारे पहले मुद्दा उठा तो पर्यटन के बारे में अभी तक जो हमारा ठेकेदार है उसने आश्वासन दिया हुआ है। हम स्पष्ट करने गए थे ADM साहब के साथ कि शिवरात्रि के नज़दीक तक हम इसको खाली कर देंगे, कुछ स्थान रह जाएगा। तो इसलिए हम इसके बारे में कादारों से सुझाव ले रहे थे कि कैसे हम बैठे इसमें, कैसे इसमें स्थान सुरक्षित करेंगे। तो सुझाव ये भी स्थान मुहैया जगह मुहैया होने पर ही विचार करें कि हम कैसे बैठेंगे। तो जो अनरजिस्टर्ड देवता है वो जो है उनके लिए अलग स्थान दिया जाएगा, जैसे चौटा में दिया है। अनरजिस्टर्ड देवता अगर अलग स्थान बैठ जाते हैं तो रजिस्टर्ड देवता जो है अपने अपने स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि पर्यटन मैदान में जगह अभाव होने खातिर काम करना पड़ रहा है। दूसरा हमारे ध्यान थी कि हमने माननीय मुख्यमंत्री को ये हमारे जो सारे सरकारी भूमि पर देवी देवता बैठे हुए उनको जगह अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि हमने मांग रखी थी और मांग माननीय मुख्यमंत्री को हम पशु टॉप भी दी थी राजमहल में। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसमें हम विचार करेंगे, अभी तक वहाँ से कोई निर्णय नहीं आया। दोबारा हमारा माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध है कि इस पर गौर करें, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जो सरकारी भूमि पर बैठे हुए और वहाँ जाके आजकल श्रद्धालु बड़े आए हैं तो वहाँ बड़ा गंद इत्यादि पड़ रहा है। तो MLA वगैरह पैसे देते हैं या सांसद पैसे देते हैं तो उसके लिए स्नान करना, टॉयलेट बनाना स्वच्छता के कारण से अभी भी बड़ी समस्या हो रही है। अगर जगह लौट जाती है तो पैसे का फ्लैश बना देता है। यही डिमांड थी हमारी कि हमारा मानदेय राशन इत्यादि जो देवताओं को दिए जाते हैं, हमारे देवते बड़े दूरदराज से आते हैं, जैसे छपरा में आ गया, सिटी में आ गया, बर्फ के इलाके से आते हैं और पैदल चल के आते हैं। पालकियाँ बड़ी भारी होती है, शिवरात्रि को निभाने के लिए मंडी पहुँचते हैं। मानदेय बड़ा कम है, दूसरा लकड़ी भी लेती है वो बड़ी कम है, राशन का बड़ा अभाव है, बड़ा कम दिया जाता है। तो ये मानिया हमें मुख्यमंत्री से भी और जिलाध्यक्ष से भी हमें उम्मीद है कि इसको प्रचार किया जाए।